बच्चों को शासकीय स्कूलों में मेन्यू अनुसार भोजन मिलना चाहिए, पर धर्मपुरी तहसील की ग्राम आदर्श की ग्राम पंचायत सुंदरेल की शासकीय प्राथमिक विद्यालय बाईडीपुरा सुंदरेल में बच्चों को भोजन पेट भरकर नहीं दिया जा रहा। जब रिपोर्टर स्कूल में पहुंचे तो बच्चों ने बताया कि हमें भोजन में 3 रोटी ही दी जा रही है। रोजाना मध्याह्न भोजन का मेन्यू अलग अलग रहता है। शनिवार के मेन्यू में पराठे के साथ मिक्स दाल व हरी सब्जी मिलना चाहिए था, पर बच्चों के मेन्यू में दाल और रोटी ही दी गई और बच्चों को पेट भरकर भोजन भी नहीं दिया गया और मेन्यू में से पराठे के साथ हरी सब्जी गायब थी। स्कूल में 1 से 5वीं तक के बच्चों की संख्या 150 है। मध्याह्न भोजन के समूह सोडल बाबा स्व सहायता समूह द्वारा बच्चों को खाना मिलता है, पर समूह द्वारा बच्चों को सही से भी खाना नहीं मिल रहा और 150 बच्चों में से डेली 100 से 120 बच्चे ही स्कूल रोजाना पहुंचते हैं और कई बच्चे तो अपना टिफिन घर से ही लाकर भोजन स्कूल में खा रहे हैं। धर्मपुरी से सुनील वास्कले की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।